सोलन विधानसभा क्षेत्र से स्थानीय विधायक एवं मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने अभी तक के कार्यकाल में कोई ऐसी योजना नहीं दी जिसका शिलान्यास और उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में मंत्री पर कड़े प्रहार करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल 58 में से 36 महीने सोलन के रेस्ट हाउस में आराम फरमाते रहे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही वे शिलान्यास करने में जुटे हैं। उन्होंने विधायक एवं मंत्री शांडिल को पत्थर मंत्री की संज्ञा देते हुए कहा कि वे अपने नाम के पत्थर लगवा रहे हैं ताकि जनता उनके शिलान्यासों को देखकर याद करती रहे। डॉक्टर राजीव बिंदल के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके समय में कई विकास कार्य हुए जिन्हें मौजूदा विधायक गति नहीं दे पाए। पवन गुप्ता ने धनीराम शांडिल पर आरोपों की बौछार करते हुए कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शांति बाईपास का 3 बार भूमि पूजन किया जा चुका है, लेकिन उसका निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की दशा बदतर बनी हुई है और स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसके अलावा एक अन्य स्कूल की इमारत के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी अभी तक निर्माण कार्य नहीं किया जा सका है। सोलन शहर को नगर निगम का दर्जा भी मंत्री ने दिलवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और केवल जनता को आश्वासन ही दिए हैं। क्षेत्र में पिछले 58 महीने में से यहां के विधायक और मंत्री जी का जो शासन यहां पे चल रहा है उसमें से 36 महीने तो उन्होंने सिर्फ सोलन रेस्ट हाउस की शोभा बढ़ाई है। मेरा मानना है कि अगर यहां के विधायक और मंत्री जी में इच्छा शक्ति होती तो सोलन को सब सुविधाएं मिलती। कांजी स्कूल में मंत्री जी ने थोड़े दिन पहले उद्घाटन किया है, 3 अध्यापक वहां पे लगा दिए गए हैं पर एक भी छात्र वहां पर अभी तक एडमिशन नहीं हो सकी है। और कोठी देवरा स्कूल जो 7 का लगता स्कूल है उसमें पिछले 5 साल में स्कूल का भवन भी सरकार नहीं बनवा सकी है। मेरा मानना कि वहां बजट भी था, टेंडर भी हो चुका था, सब कुछ हुआ है पर अभी तक स्कूल का भवन जो है 5 साल में नहीं बना है। यहां के जो विधायक और मंत्री हैं वो मेरे को लगता है कि पत्थर मंत्री बन गए, उन्हें लग रहा है कि जितने जल्दी हो सके मैं अपने जगह जगह पत्थर लगा लूं ताकि आने वाले समय में लोग मेरे पत्थर देखकर मेरे को याद करते रहे। आतुर हुए हैं कि जगह जगह मेरे पत्थर लग जाएं और उन्होंने इसी कड़ी में जगह जगह पे जाकर शिलान्यास उद्घाटन 2-2 लाख के उद्घाटन भी आज मंत्री करने लगे हैं।